बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हनुमान जी को या तो वो सबके पिता हैं अगर ईश्वर के रूप में समझे, या तो बहुत सारी महिलाएं उन्हें भाई भी मान लेती हैं अपना। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि महिलाएं उनकी पूजा नहीं करेंगी। सिर्फ ये है कि महिलाएं उनको सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी। महिलाएं किसी महिला को सिंदूर दे सकती हैं या अपने पति को दे सकती हैं, उसके अलावा नहीं। तो महिलाएं भी हनुमान जी की विधिवत पूजा कर सकती हैं जैसा वो चाहती हैं, पुरुष तो खैर करते ही हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हनुमान जी की पूजा करने से आप ब्रह्मचर्य की तरफ चली जाएंगी या आपका विवाह नहीं होगा या हनुमान जी कृपा नहीं करेंगे। पति पत्नी का मिलन कराने के लिए भी हनुमान जी की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान राम से बिछड़ी हुई माता सीता के बारे में सबसे पहले जानकारी हनुमान जी ने दी थी और हनुमान जी ने ही भगवान राम और सीता जी का मिलन करवाया था। इसलिए जिन महिलाओं को पति से दूर रहना होता है या जो पति अपनी पत्नियों से दूर रहते हैं, वो हनुमान जी की एक विशेष पूजा करते हैं और हनुमान जी की कृपा से फिर पति पत्नी साथ में रहने लगते हैं। तो अगर कोई महिला हनुमान जी की पूजा करना चाहे बिल्कुल कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करेगी। हनुमान जी के बारे में कहते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और हनुमान जी की स्तुति में आता है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। यानी बुद्धि के मामले में हनुमान जी वरिष्ठ हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। दो देवताओं को बुद्धि का देवता मानते हैं, बजरंगबली हनुमान जी और भगवान गणेश। तो अगर आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, या आपके घर में कोई बच्चा है पढ़ने लिखने वाला और वो चाहता है कि मैं अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करूं, तो उसके लिए विद्या बुद्धि और ज्ञान के लिए कौन सा चित्र स्थापित करेंगे? हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करिए जिसमें वो रामायण पढ़ रहे हों। इनको रामायणी हनुमान जी कहा जाता है। ऐसा चित्र जिसमें हनुमान जी बैठ करके रामायण पढ़ रहे हों, ऐसा चित्र आप अपने पूजा स्थान पर हनुमान जी के जन्मोत्सव पर लगाएं। इस चित्र के सामने घी का चौमुखी दीपक आपको जलाना चाहिए और इसके बाद हनुमान जी को गुड़ का भोग आपको लगाना है। इसके बाद शिक्षा की, विद्या बुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हनुमान जी का ये चित्र अपने पढ़ने वाले स्थान पर जरूर लगा दें और रोज पढ़ाई की शुरुआत करने के पहले उनको प्रणाम करके तब पढ़ाई करें। और हनुमान जी के जन्मोत्सव के अलावा नियमित रूप से इनकी पूजा करते रहें, इनको गुड़ का भोग लगाते रहें, इनसे शिक्षा की, विद्या बुद्धि की प्रार्थना करते रहें, तो उससे लाभ की संभावनाएं ज्यादा बन जाएंगी। हनुमान जी धन भी देते हैं और कर्ज से मुक्ति भी देते हैं। कारण क्या है? देखिए, कर्जे के पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो होता है आमतौर पर मंगल, और हनुमान जी की पूजा से मंगल कंट्रोल में आ जाता है, नियंत्रित हो जाता है। तो अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप कर्जे से छुटकारा चाहते हैं, तो हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करिए जिसमें उनके हृदय में सीताराम हो। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भू। हनुमान जी ने अपने हृदय को चीर करके दिखाया था कि उनके हृदय में सीताराम की छवि हमेशा मौजूद रहती है। तो हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें उनके हृदय में सीताराम हो, ऐसा चित्र लगाएं और इस चित्र के सामने रोज घी का दीपक जलाएं, एक मुखी घी का दीपक, और हनुमान जी को रोज लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद धन प्राप्ति की और ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके लिए मैं आपको अलग से एक राज बता देता हूं कि अगर आप हनुमान जी से धन चाहते हैं, ऋणों से मुक्ति चाहते हैं, तो आप हनुमान चालीसा पढ़िएगा 3 बार। हनुमान जी का ये चित्र स्थापित कर दीजिएगा, रोज शाम को इनके सामने घी का दीपक जलाइएगा और इनके सामने बैठ करके 3 बार प्रेम से हनुमान चालीसा पढ़िएगा। फिर जब आप प्रार्थना करेंगे धन प्राप्ति के लिए, ऋण से मुक्ति के लिए, तो वो आपकी आसानी से पूरी हो जाएगी।
अगर आप जीवन में हर प्रकार की सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले, तो हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करिए जिसमें वो बैठे हुए आशीर्वाद दे रहे हों। इस चित्र के सामने हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन लगाइए और इस चित्र के सामने घी के 9 दीपक जलाइए। हनुमान जी को मीठी चीज का भोग लगाइएगा और उसमें तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा। ऐसा जन्मोत्सव वाले दिन करेंगे। नियमित रूप से आप इस चित्र का दर्शन करके दिन की शुरुआत करेंगे। सुबह उठिए, सबसे पहले इस चित्र का दर्शन करिए, सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम करिए, उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे। हर छोटी से छोटी चीज में आपको बेहतर सफलता जरूर मिलेगी। हर छोटी से छोटी चीज में आप ज्यादा से ज्यादा सफल हो पाए।